तो चलते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जहां पर सुपोषण का कार्यक्रम चल रहा है। और आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल वहां पहुंच चुके हैं। सुरक्षा को मानव सभ्यता की शुरुआत से ही महत्व दिया जाता रहा है। किसी भी प्राणी के लिए पोषण जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि संतुलित पोषण कैसे हो। इन्हीं सब विषयों पर, मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे थे और अब हमारा वन टू वन डिस्कशन शुरू होने जा रहा है। और हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी के साथ बातचीत करने के लिए मैं रुपेश गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, हमारे विशेष संवाददाता श्री रुपेश गुप्ता जी। छत्तीसगढ़ की बात होती है तो बहुत सारी उपलब्धियों की चर्चा होती है, बहुत सारी बातों की चर्चा होती है जो सरकार आगे करने जा रही है। पीआर के इस दौर में जो पीआर की राजनीति है, बड़ा मुश्किल होता है कि एक मुख्यमंत्री ये कहे कि हमारे पास जो दर है कुपोषण की वो इतनी है और इसको हमको खत्म करना है। यानी अपनी खूबियों की जगह उन खामियों का जिक्र कर रहे हैं जिसको चैलेंज की तरह लिया जा रहा है। हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उनके इस साहसिक सोच को सलाम कीजिए आप। मुख्यमंत्री जी, जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल होता है कि खामियों पर, जो कमियां हैं उस पर चर्चा की जाए, लेकिन ये एक सही अप्रोच भी दिखाता है कि आपको कहां ठीक करना है। तो क्या पूरा रोड मैप है आपका जो कुपोषण को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, सुपोषित छत्तीसगढ़ को बनाने की बात कर रहे हैं? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है और ये आंकड़े भारत सरकार के हैं। 39.9% लोग यहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। दूसरा जो आंकड़ा है वो 37.6% जो बच्चे हैं 5 साल के, वो कुपोषण के शिकार है। तीसरा आंकड़ा है 41.5% 15 साल से 49 साल की उम्र के बीच की जो महिलाएं हैं वो एनीमिया से पीड़ित है। अब सवाल ये उठता है कि हम यदि हमारे 37% बच्चे कुपोषित हैं, 41% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं और जो 15 साल से 49 साल की उम्र में है, यदि वो जो लड़की 15 साल की, उसकी शादी होगी और शादी होने के बाद जो बच्चा होगा जो खुद खून की कमी से जूझ रही है, तो बच्चा भी कमजोर ही होगा, बौना होगा, विकलांग होगा। जब शारीरिक रूप से विकास उनका नहीं होगा तो फिर मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो आने वाली जो पीढ़ी है वो फिर बहुत कमजोर होगा। यदि आने हम छत्तीसगढ़ को यदि मजबूत छत्तीसगढ़ की कल्पना करते हैं, पुष्ट छत्तीसगढ़ की कल्पना करते हैं, मजबूत छत्तीसगढ़ की कल्पना करते हैं, तो जब तक कि ये जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम लोग कुपोषण के से बाहर नहीं लाएंगे तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और इसलिए इसे हमने एक चुनौती के रूप में लिया है और इसकी शुरुआत हमने बस्तर से किया, दंतेवाड़ा से किया, बस्तर से किया, सुपोषित बस्तर, और अभी सभी जगह हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ है और इसमें पूरे प्रदेश में जहां जिन जिन गांवों में, जिन जिन शहरों में या मोहल्ले में जो बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं जो एनीमिया से पीड़ित हैं, उनके लिए सुपोषण का कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश भर में चलाएंगे, उसकी तैयारी चल रही है। आप ये कहते हैं कि कुपोषण जो है प्रदेश के लिए नक्सलवाद से बड़ी समस्या है, इस बयान का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, यदि आंकड़े के हिसाब से देखें नक्सल बड़ी समस्या है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। एक भय का वातावरण है और कोई स्वतंत्र रूप से
घूम फिर नहीं सकता, आजादी के साथ सांस नहीं ले सकता, सब डरे सहमे से रहते हैं। लेकिन यदि नक्सली यदि आदिवासियों को मार रहे हैं या हमारे जवानों की हत्या कर रहे हैं तो उसकी संख्या कितनी है? जितने छत्तीसगढ़ में रोड एक्सीडेंट में जितने लोग की मौत होती है वो आंकड़े अधिक ही निकलेंगे। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो बहुत बौने नजर आएंगे जब आप देखेंगे कि 5% 5 साल के जो बच्चे हैं वो 37% मतलब छत्तीसगढ़ के 1/3 से भी अधिक जो बच्चे हैं वो कमजोर होंगे, आधा से थोड़ा से कम महिलाएं वो कमजोर होंगी, तो हम मजबूत छत्तीसगढ़ की बात करें, एक पीढ़ी है वो कमजोर हो जाएगा। तो फिर यदि लोग ही कमजोर होंगे तो समस्याओं से कैसे लड़ेंगे? विवेकानंद जी ने ये कहा कि हमको मजबूत लोग चाहिए, यदि भारत को मजबूत करना है तो हमारे लोग बलिष्ठ होना चाहिए, और जब बलशाली होंगे तो फिर जब शरीर स्वस्थ होगा तो उसका मन भी स्वस्थ होगा। तो भारत को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है तो बच्चों को बलिष्ठ होना ही चाहिए, बलवान होना चाहिए, ताकि वो आने अपनी उसके जीवन में आने वाली जो समस्या है उससे वो लड़ सके। तो इस लड़ाई बहुत सारी समस्याएं हैं छत्तीसगढ़ के सामने, बड़ी चुनौतियां हैं, और उसे कौन लड़ेगा? ये आने वाली पीढ़ी ही लड़ाई लड़ेंगे, और यदि शारीरिक रूप से कमजोर होंगे तो फिर तो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। और इसलिए मजबूत छत्तीसगढ़ के लिए कुपोषण के खिलाफ, एनीमिया के खिलाफ हमको संघर्ष करना होगा। अच्छा, ये आंकड़ों का जबरदस्त एक जो पूरा पीछे से देखें तो ये जो 37% का फिगर आया है, इससे पहले हम सुनते आ रहे थे कि कुपोषण में इतने प्रतिशत की कमी आई, कुपोषण कम होता जा रहा है, हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम 3 साल में यहां पहुंच जाएंगे, 5 साल में यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन असल स्थिति जो अब आंकड़े आए हैं वो वाकई चौंका रहे हैं कि 15 साल में 18 साल में फिर क्या हुआ। और जब ऐसी सरकार जिसको पूरे देश में पीडीएस के लिए अवार्ड मिलते थे, ऐसी सरकार जो कुपोषण पे 450 करोड़ रुपए खर्च करती थी, तो कहां पे पिछली सरकार, जाहिर तौर पे अगर 37% आज के आंकड़े हैं तो ये पिछली सरकार की नाकामी है माना जाएगा, लेकिन कहां गड़बड़ी थी? आपने एनालाइज किया कि नीति गड़बड़ थी या उसके एग्जीक्यूशन में, उसके क्रियान्वयन में कुछ गड़बड़ियां हुई? सुपोषण का अर्थ ये नहीं कि पेट भर जाना है, आप चावल ही चावल खा लेंगे, रोटी रोटी खा लेंगे या और कुछ चीजों से आप अपना पेट भर लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हो गए। आज जो पैमाना है उसमें आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है, और उसकी पूर्ति बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ हैं उससे होती है, या तो आप कैप्सूल खा लें तो, लेकिन वो कोई हल नहीं है, या सप्लीमेंट्री फूड जो देते हैं आजकल बहुत सारे विभागों में सप्लीमेंट्री फूड के जो एजेंसियां हैं वो आती है, ये सप्लीमेंट्री फूड दे दीजिए। तो जब हम नेचुरल रूप से यदि किसी चीज़ को देते हैं, फल दें, सब्जी दें, अचार दें, और वो सारी चीज़ें दें जो स्वाभाविक रूप से वो सारे तत्व सारे विटामिन उसको मिलेगा। अभी बस्तर में हम लोगों ने देखा, जब इस सुपोषण योजना हम लोगों ने शुरू किया तो बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे बच्चे हैं वो केवल चावल खा लेते थे, नमक खा लेते थे, सब्जी हाथ नहीं लगाते थे। फिर उनको समझाया गया कि इससे आपको ये तत्व मिलेगा, ये विटामिन मिलेगा, और इससे आपको आप स्वस्थ होंगे, ताकतवर होंगे। फिर लोगों ने धीरे धीरे उन सब चीज़ों को लेना शुरू किया है। तो आपको जो भोजन के जो हैबिट्स है उसमें भी आपको उस सारी चीज़ों को शामिल करना होगा। जो सारी चीज़ें हमको चाहिए तो सप्लीमेंट्री फूड के रूप में नहीं, बल्कि भोजन में वो सारे तत्व आ जाना चाहिए जिससे शारीरिक विकास हो। और वही आप चावल भर दे दिए या रेडी टू ईट दे दीजिए, लेकिन उससे कुछ अंतर आया क्या? तो आज जैसे हमने सरकार में आते सबसे पहले सवाल हमने कहा कि डीएमएफ का जो पैसा है
आप कितने हजार करोड़ खर्चा करेंगे? बोल किसी ने कहा 3000 करोड़, किसी ने 4000 करोड़, स्वीकृत बहुत ज्यादा हो गया है। मैंने सबसे पहला सवाल उनसे पूछा अधिकारियों से कि जिन लोगों के लिए कार्यक्रम चलाया गया है उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो बोले कुछ नहीं, न पहले का कोई डाटा है ना आज कोई डाटा है, लेकिन जो नजरी रूप से जो देख रहे हैं उसमें देखते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो मैं बोला ये सारे कार्यक्रम बंद करिए, वो कार्यक्रम चालू करिए जिससे उस जो प्रभावित जो क्षेत्र के लोग हैं उसके जीवन में परिवर्तन आया, उसके शिक्षा में कितना सुधार आया है, उसके स्वास्थ्य में कितना सुधार आया है, उसके भोजन में कितना परिवर्तन आया, उसके स्वास्थ्य मतलब शारीरिक रूप से कैसा है, ये सब चीज बहुत जरूरी है। और इसके लिए चाहे बस्तर में हो, चाहे कोरबा में हो, कोरिया में हो, तो सारी जगह कार्यक्रम हमारे शुरू हो गए। बचत जो छत्तीसगढ़ है उसमें भी 2 अक्टूबर को हम शुरू करेंगे। आपने इसी सिलसिले में अंडे बांटने की शुरुआत की क्योंकि वो आदिवासियों की फूड हैबिट का हिस्सा रहा है नॉनवेज, लेकिन इसको लेकर के जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई, मतलब इस तरीके का बयान आना अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है कि एक बड़ा मंत्री ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं हो रही है इसलिए क्योंकि आपने अंडे बांटने का फैसला किया है। मतलब आपकी सोच कहां पे है इससे पता चलता है। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज की फिर आपके सामने चुनौती बड़ी क्या है, कुपोषण बड़ी चुनौती है या इस तरह की राजनीति से लड़ना बड़ी चुनौती? देखिए अंडा बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते, तो जिसका जो निरामिष भोजन करते हैं उसके यहाँ भी जो उनके बच्चे हैं उनका खाने का स्वाद कुछ और होता है, और जो सामिष भोजन करने वाले हैं उनके जो बच्चे हैं वो निरामिष हो जाते हैं। तो इससे ये हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या पसंद करता है क्या पसंद नहीं करता। आप ही अपने घर में रोज 2 सब्जियां बनती है तो किसी दिन बच्चा चावस खा लेता है, किसी दिन नहीं खाता, किसी कद्दू पसंद है किसी को नहीं है। लेकिन आप यदि नॉन वेजिटेरियन है तो आपको जब आप अपने बच्चे जबरदस्ती नहीं कर सकते आपको कद्दू खाना है। उसी प्रकार से अंडा भी है, जिसको पसंद है वो खाए, जिसको पसंद है ना खाए, लेकिन अंडा एक ऐसा है जिसमें मिलावट आप नहीं कर सकते। और वो सभी डॉक्टरों ने कहा ये न्यूट्रिशन के लिए सबसे बढ़िया चीज है। और वहाँ हम लोगों ने देखा तो बच्चे बड़े चाव, बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे पहले जो थाली परोसा जाता है उसमें अंडा पहले उठाते हैं दूसरी चीजों का अपेक्षा। तो जो खाएं उसके लिए वो अंडा उपलब्ध है, नहीं खाना चाहें उसके लिए फल है और दूसरी जो चीजें हैं जो उसके समकक्ष आता है उसको हम लोग दे रहे हैं। अच्छा एक और चीज, लेकिन ये चीज कि जो अंधविश्वास फैलाने वाले जो लोग हैं इस प्रकार से अंधविश्वास इसी किसी सदी में ना फैलाएं तो ज्यादा अच्छा है। जी जरूर, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा एक बड़ी चीज ये है कि जब भी कोई योजना बनती है तो योजना तो सरकार अच्छे मकसद से बनाती है, ठीक ठाक योजना चलती भी है, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है अधिकारियों पर, और अधिकारियों को लेकर के बड़े तबके में चिंता भी रहती है कि आपकी योजना अच्छी है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसे वो करेंगे, आप जो सोच रहे हैं क्या उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ये एक बड़ी, इस पर नकेल कसने के लिए आपने कुछ सोचा है क्या? देखिए इसमें तरीका यही है कि आप उन योजनाओं को उन्हीं लोगों के हाथ में सौंप दें, जहां एक कार्यक्रम चला रहे हैं वहीं के लोगों को सौंप दें तो वो लोग बेहतर चलाएंगे। बनिस्बत के अधिकारी के पास बहुत सारे काम रहते हैं, उसमें एक काम ये भी है, लेकिन जो जिन लोगों की यदि जिनके पास दूसरे कोई काम नहीं है और उसी काम को देंगे तो ज्यादा अच्छा करेंगे। तो आज स्थिति ये योजना है, हम लोगों ने गांव वालों को सौंप दिया है और गांव वाले उसको चला रहे हैं, मोहल्ले वाले हैं वो मोहल्ले चला रहे हैं। इसको भ्रष्टाचार मुक्त रखा जाए निश्चित रूप से, कुछ निश्चित रूप से रखा जाना चाहिए, बहुत पवित्र कार्य है और इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गड़बड़ी करेगी, क्योंकि गांव गर्म भोजन बनना है, सब्जी बनना है, अचार देना है, अंडा देना है, तो वो सारे लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं तो उसमें फिर गड़बड़ी कैसे होगी? यदि कमी होगी तो तत्काल शिकायत होगी। अच्छा इसमें केवल बच्चे भर नहीं है, उसमें महिलाएं भी है जी, जो 14 साल से 15 साल से 49 साल तक की महिलाएं जो एनीमिया से पीड़ित हैं और जो 5 साल के बच्चे हैं, तो सब लोग सामूहिक रूप से भोजन कर रहे हैं, एक साथ भोजन पक रहा है, तो इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस कम है। बस्तर में आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, हाट बाजार में भी, और पोषण युक्त खाना भी मिल रहा है,
हालांकि जांचा नहीं जा सकता, लेकिन फीडबैक तो मिलता ही रहता है शासन को, तो क्या फीडबैक मिल रहा है? कोई इंटरेस्टिंग केस जो आया हो आपके सामने जिसको साझा करना चाहें? पहले तो जब ये बात, ये कार्यक्रम हम लोगों ने लागू करने के लिए कहा तो कलेक्टर ने सभी सरपंचों को मीटिंग ली। सरपंचों ने कहा कि इस कार्यक्रम को हम चलाने के लिए अपने भवन नहीं देंगे। जो शुरुआत हुई वो टेंट से हुई है। एक गांव में टेंट लगाया गया और टेंट में वहीं के जो हमारे स्व सहायता समूह के जो हमारी बहनें हैं उन्होंने भोजन पकाया, और भोजन पका के वो तो जो बच्चे, जो कुपोषित बच्चे हैं वो भी चिन्हांकित है, जो महिला एनीमिक महिला है वो भी चिन्हांकित है, उनको सबको आमंत्रित किया गया और भोजन खिलाया गया, सरपंच भी बुलाया गया। तो उनको लगा ये तो बहुत बढ़िया योजना है, लोग हंसते हुए इस योजना को हाथ में ले रहे हैं। फिर उन्होंने भवन दिया। आज दंतेवाड़ा में, अकेले दंतेवाड़ा जिले में जहाँ 124 पंचायत है उसमें 109 पंचायत में कार्यक्रम चल रहा है, जबकि इसके खिलाफ नक्सलियों ने पर्चा बांटा है। ये कार्यक्रम नहीं चलना चाहिए, नक्सलियों ने पर्चा बांटा है। तो गांव वाले बोलते हैं हमको बढ़िया गर्म भोजन मिल रहा है, हम क्यों नहीं इस कार्यक्रम को क्यों बंद करवाएं, क्यों विरोध करें, क्यों न खाएं? तो इस प्रकार से सरकार, लोगों को लगता है कि सरकार हमारे लिए कर रही है। जैसे हाट बाजार क्लिनिक की बात है, जो आपके जिला में अस्पताल है, ब्लॉक में अस्पताल है, उसमें जितने ओपीडी आते हैं उससे कई गुना ज्यादा ओपीडी हमारे बस्तर के हाट बाजार में आ रहे हैं। लोग बाजार तो आते ही हैं, साथ में इलाज चेकअप भी करा लेते हैं, खून की भी जांच करा लेते हैं, दवाई भी मुफ्त मिल रही, सारी टीम वहां पहुंच रही है। तो उसका लाभ कई बार होता है कि बीमारी हो जाती है, छोटी छोटी बीमारी, तो आदमी अनदेखा करता है, हॉस्पिटल ले जाता, उसे कमजोरी आ जाती है। हमने बस्तर में ही कितने बार देखा है कि उल्टी दस्त से कितने लोग काल कवलित हो गए। लेकिन अब जब हाट बाजार में ये डॉक्टर जाएंगे, नर्स जाएंगे, पूरा दवाई यहाँ पूरी किट लेके जाएंगे, तो उसका लाभ लोग उठा रहे हैं। और कई गुना ओपीडी, मतलब 5 से 10 गुना ओपीडी बढ़ा है बस्तर के हाट बाजारों में, चाहे वो कांकेर का हो, चाहे कोंडा गांव का हो, चाहे बीजापुर का हो, चाहे सुकमा का हो, सब जगह हाट बाजार देखें, वहाँ ओपीडी बढ़ी है बहुत ज़्यादा। ये बड़ा सवाल है कि पौष्टिक नीति क्या सिर्फ कार्यक्रम चला करके जाहिर तौर पर इसको हासिल नहीं किया जा सकता है? 2004-05 में जो सरकार थी उसने पौष्टिक नीति बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उस नीति का क्या हुआ पता नहीं। तो आपके भी एजेंडे में है क्या कि कोई नीति होनी चाहिए पोषण को लेकर के? पोषण के रूप में ये कि जो सभी तत्वों से भरा हुआ भोजन सब लोगों को मिले, उसके बारे में जानकारी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें हमको क्या क्या मिल रहा है। तो जब तक के अब उसको लिख के बताएंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आप चर्चा करके बताएंगे तो लोगों को जल्दी समझ आएगा। ये सारी चीज जन जागृति इस माध्यम से चलाया जा रहा है, आपके भोजन में, आपके थाली में ये इन चीजों को शामिल करना बहुत जरूरी है। यदि आपको स्वस्थ रहना है, आपको मजबूत होना है, तो इन सब चीजों की आवश्यकता है। जैसे कि एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि कुपोषण जो है दरअसल माता से आता है, तो पहली जरूरत ये होनी चाहिए कि माताएं अगर जागरूक होंगी, वो शिक्षित होंगी, तो शायद ये स्थिति इतनी खतरनाक नहीं होगी। क्योंकि सिर्फ गरीबी इसकी वजह नहीं है, बल्कि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि फूड हैबिट जो होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब माताएं जागरूक होंगी तो माताएं समझ पाएंगी कि पोषण क्या चाहिए, अच्छा और क्यों जरूरी है। तो इसको लेकर के भी कुछ प्लानिंग है क्या? मैं जो कह रहा हूँ उसके मेरे पूरे जो प्रतिभागी यहाँ आके जो बोल गए हैं मेरी बात को तस्दीक कर रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा कि जो 15 साल से 49 साल के महिलाएं हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं। और वही बात है कि यदि उनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो बच्चे कमजोर ही होंगे। इसलिए हम दोनों के एक साथ साथ रहे हैं, बच्चों को भी कुपोषण से मुक्त करा रहे हैं और महिलाओं को भी उसके भोजन में, क्योंकि बच्चों से ज्यादा अच्छा माताएं समझेंगी, जो किशोरी हो गई महिला लड़की, किशोरी लड़की उसको जो आर्थिक पर के छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, उनके भी समझाएंगे कि ये कमी आपके शरीर में है और इन तत्वों को आप दूर करें,
ज्यादा अच्छा समझेंगे। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और केवल अवेयरनेस की बात नहीं, उनके साथ साथ उनको उन सब चीजों को उपलब्ध कराना। जी, एक चीज है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी भाजियां होती हैं और लोग इस बात को लेकर के चिंता भी करते हैं कि 64% पहले जो सब्जियों में सब्जियों का जो भोग था एक दशक पहले, वो आज 48% हो गया है। तो इसको ये माना जाता है, यहाँ पे लगे हुए भी तमाम भाजियां जो छत्तीसगढ़ की हैं वो बहुत अच्छे सोर्स हैं अलग अलग मिनरल्स के लिए, विटामिन्स के लिए, तो ये जो टेंडेंसी चेंज हो रही है, ये थालियों में ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे, क्योंकि सस्ता है, सुलभ है, इसको लेकर के क्या सोचते हैं? अभी छत्तीसगढ़ में जितने भाजियों का प्रयोग होता है, मैं नहीं समझता किसी दूसरे प्रदेश में होता होगा। लेकिन धीरे धीरे ये बताया गया कि ये भाजी में चरोटा भाजी खा दें तो इसे खाने के बाद ये जहरीला होता है तो डर के मारे सब खाना बंद कर दिए, तीवरा भाजी है तो इसमें बात हो जाता है इसको छोड़ दो, तो आजकल तो तीवरा ना बोने का अभियान चला है। अभी तब धान के पीछे पड़ गए हैं, लोकसभा में चर्चा होने लगी कि हम 1 किलो धान यदि उत्पादन करते हैं तो इसमें इतना लीटर पानी चल जाता है, हम धान एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि सबको हतोत्साहित करने का, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो भाजियां हैं उसका बल्कि रिसर्च करना चाहिए कि इस भाजी में कौन कौन सा तत्व है और उसका उसको प्रचार प्रसार करना चाहिए। बहुत सारे जो डॉक्टर बाहर से आए हैं वो तो जो खासकर जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आपको ये खाना है ये नहीं खाना है, लेकिन उनको जब बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में इतने प्रकार की भाजियां हैं, उनको लाल भाजी चौलाई भाजी के अलावा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में आप चुनचुनिया भी खाएंगे, बर्रा भाजी भी खाएंगे, सब प्रकार की भाजी का उपयोग यहाँ होता है। तो उनको बल्कि उसमें रिसर्च होना चाहिए और रिसर्च करके लोगों को बताना चाहिए कि इसमें इस तत्व की बहुलता है, इनको उपयोग होना चाहिए। मतलब शासन ये काम भी करेगी कि उसके बारे में अवेयरनेस और बढ़ाए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज कि अगर नॉन वेजिटेरियंस की बात करें, क्योंकि हमारी जो ट्राइबल आबादी है खासतौर से और जो गांव में रहती है वो नॉन वेजिटेरियन है, मछलियां बड़ा सोर्स हुआ करती थी उनके लिए, लेकिन अब मछलियों को लेकर के कि ठेके में तालाब चले गए, तालाब पट गए, नदियों से पानी नदियों में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक वजह रही है कि उनको जो पहले पोषण मिलता था वो कम हो गया। तो इस तरफ भी विचार करने की जरूरत है क्या? 2-3 बातें हैं। पहली बात है कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो आवश्यकता बढ़ेगी, दूसरी बात है पानी का दोहन ज्यादा हो रहा है तो पानी, हम ट्यूबवेल खुदाई कर रहे हैं तो हमारे नदी नाले के पानी सूख रहे हैं, तीसरा बात यह कि प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है, तो उसके कारण से चाहे नदी हो तालाब हो, आज जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे वो स्कूल के समय में यहाँ के हर तालाब में नहाना जाया करते थे, रायपुर में बहुत सारे तालाब हैं, लोग शनिवार है रविवार है तो कपड़ा लेके चल देते थे नहाने और तय करते थे कि आज नहीं, अपने मित्रों साथ तय करते कि आज कल हम लोग इस तालाब में मिलेंगे। लेकिन आज बूढ़ा तालाब क्या, रायपुर के किसी तालाब में कोई हाथ में पानी नहीं ले सकता, नहीं चरमरोज हो गया है, इतना प्रदूषित हो गया है। तो फिर जो जीव जंतु वहां रह रहे हैं उसकी स्थिति क्या होगी, तो उपलब्धता भी कमी आएगी। कई लोग बोलते हैं कि जब नॉन वेज है वो बहुत अच्छा सोर्स है तो उनको तो मजबूत होना चाहिए, और हमारे आदिवासी हैं जो बस्तर में रहते हैं या स्वर्गजों में रहते हैं तो नॉन वेजिटेरियन है, सवाल इस बात का उसको मिलता कितना है। आप पूरे बस्तर में चल दीजिए, एक चिड़िया आपको चाहते उसकी आवाज आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे बस्तर से चिड़िया सब समाप्त हो चुका है, तो उनको उपलब्ध कहां होगा। तो सवाल उपलब्धता का है, और उपलब्ध कराने के काम चाहे साग भाजी से हो चाहे वो अंडे के माध्यम से, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अच्छा, एक चीज और है कि कुपोषण, अगर एक तो डेमोग्राफिकली हम इसको स्टडी करते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जहां पे ज्यादा कुपोषण है, लेकिन इसमें कुछ समुदाय भी हो सकते हैं, कोई सामाजिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उनको पोषण नहीं मिल पाता, और कोई
परिवार में ही अलग अलग लोग होते हैं, तो जैसे वर्किंग वुमेन है या फिर कोई घर में रहने वाली महिला है, माइक्रो लेवल पे एक एनालिसिस होना चाहिए ताकि आपको जो आपका टारगेट है वहां तक आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकें। राज्य सरकार के पास सभी आंकड़े हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बस्तर में कुपोषण है। मेरे यहाँ पाटन में कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, रायपुर में आपको मिलेंगे, बिलासपुर में शहर में चल दीजिए वहां मिलेगा, किसी भी वो प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन राज्य सरकार के पास सभी जिलों के सभी शहर सभी गांव के आंकड़े सरकार के पास है, तो उसके हिसाब से उन्हीं बच्चों को उन्हीं महिलाओं को हम उसके लिए सुपोषित योजना चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सबके लिए दरवाजा खोल दिए। जो आंकड़े 37.6% है वो नाम सहित हमारे पास सारे आंकड़े हैं, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। सरकार के तौर पे तो कोशिशें चल रही हैं, सरकार की योजना भी है, लेकिन पार्टी की भी आपकी, जब याद है कि आपके फ्लैक्स लगते थे तो आपने कहा कि योजनाओं के भी फ्लैक्स लगवाओ, तो इसको लेकर के भी है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से इसमें इन्वॉल्व किया जाए। मैं तो न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि सभी राजनीति के दल और सभी सामाजिक संगठन के लोग, ये कोई एक के भरोसे नहीं होगा, लेकिन सब लोग मिल जाएंगे और सभी हाथ बटाएंगे। बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग हैं जो यहाँ रायपुर में काम करते हैं, वो काम करना भी चाहते हैं। यदि एक एक गांव को हाथ में ले लें अपने, थोड़ा सा समय दोपहर का एक घंटा निकाल लें, तो उस गांव का कायाकल्प हो जाएगा। तो सामाजिक संगठन के लोग हैं या बहुत सारे संगठन हैं, वो सब सामने आए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए फायदेमंद होगा। अच्छा, एक और चीज़ की, ये तो दो कार्यक्रम बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चल ही रहे हैं, इसके अलावा आने वाले दिनों में कुछ और भी प्लानिंग है क्या कि और भी कार्यक्रम इसके लिए लागू किया जाए? आपके दिमाग में कोई योजना हो सरकार बना रही है? शिक्षा के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, हमारे जो जितने भी जो हमारे कलाकार हैं उनके माध्यम से, स्कूल में, स्कूल के बाहर, तो इनको सबको हमको टारगेट करना है और एक वातावरण बनाने का आवश्यकता है ताकि इससे हम लोग बच सकें, इससे लड़ सकें। चलिए, बातचीत के सिलसिले को यहाँ पे विराम देते हैं। कुछ सवाल अगर लेना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो लिमिटेड सवाल हम ले सकते हैं मुख्यमंत्री जी से, अगर कोई पूछना चाहे खासतौर से इसी सब्जेक्ट को लेकर के, माइक दे दीजिएगा प्लीज। हाथ उठाइए जिनको सवाल पूछना है। हेलो सर, माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम। सर, ये कुपोषण तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ही है, साथ में स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रतिकूल स्थितियां आ रही हैं प्रदूषण के कारण, जिसमें प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कारण है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारी सरकार इस दिशा में क्या कदम बढ़ा रही है जिससे प्लास्टिक के कारण जो गौधन हमारा जा रहा है, जो शासन की महत्वाकांक्षी योजना जिसके ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा है, जमीनें बंजर हो रही हैं, उस डायरेक्शन में अपन क्या कर रहे हैं? मतलब अगर जमीन हमारी बंजर नहीं होगी, अच्छा धान हमको मिलेगा, हमको अच्छी चीजें मिलेंगी, गौधन अच्छा रहेगा तो अच्छा दूध मिलेगा, तो एक प्लास्टिक के लिए क्या किया जा रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, प्लास्टिक के उसके रिप्लेसमेंट के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। जैसे आजकल पत्तल आता है, आप प्लेट वगैरह आते हैं, या तो थर्मोकोल के आएंगे या प्लास्टिक के आएंगे, हम यदि उसकी जगह पत्तल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है और पत्तों की कोई कमी नहीं है, और हमने उसकी शुरुआत भी कर दी वन विभाग के द्वारा, पंचायत के माध्यम से वहाँ महिला समूह को हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उसे मशीन भी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो उसका रिप्लेस कर सके। दूसरा, आज देखें कि हम अभी कई करोड़ पौधा लगाएं, सारे पौधे हैं अब तैयार करते हैं, किसमें तैयार करते हैं? प्लास्टिक में तैयार करते हैं। उसके लिए अभी हम लोगों ने मीटिंग की कि अब हम अपने जो महिला समूह है या नौजवान है उसके जगह हम बांस की टोकरी, छोटी छोटी टोकरी बनाएं और टोकरी में मिट्टी डाल के, खाद डाल के, बीज डाल दें ताकि वो टोकरी से ही हम
पौधारोपण कर दें। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज हैं जिसमें हम लोग उसको रिप्लेस करते जाएं। ये तो जागरूकता का ही के कारण से सब संभव होगा। हम अपने घर से जैसे जाते हैं दुकान में, पहले थैला लेके जाते थे, अब थैला लेके बाजार जाना शाम के खिलाफ हो गया है। तो जाते हैं, चाहे उस फल लें, चाहे सब्जी लें, चाहे वो किराना का सामान लें, दुकानदार है वो प्लास्टिक में दे देता है और हम प्लास्टिक ले चले आते हैं। लेकिन यदि समाज ये तय कर ले कि नहीं, हमको प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, तो अपने घर से सामान लेके चले जाए, थैला लेके चले जाए, तो हो जाएगा। तो समाज को भी आगे आना होगा। सर इसमें एक चीज छोटा सा मेरे को संशय उस बारे में, प्लीज दूसरे लोग भी हैं उनसे सवाल ले लेते हैं। जी ममता जी। सर नमस्कार। जैसे कि मैं हमेशा से शराबबंदी के पक्ष, जरूर आपने भी घोषणा की आपकी सरकार ने, आपको साधुवाद है। लेकिन सर छत्तीसगढ़ में अगर हमारा जो राजस्व आता है तो जनता की जेब से जब 10 गुना उसका पैसा निकलता है तब उतना राजस्व कलेक्ट होता है। तो कुपोषण के लिए ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है कि हमारा उतना पैसा अगर घर का शराब में जा रहा है तो बच्चे और पत्नी और परिवार के लिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्था सब्जी भाजी दूध की हो सकती थी वो कमी होती है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इसीलिए हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल भी किया है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जिसे हम एक झटका में बंद कर दें। आप सभी लोग बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, और ये भी है कि कई राज्यों में अचानक बंद कर देने के बाद वो दूसरे नशे की तरफ चले गए, और उसका नुकसान, शराब से ज्यादा नुकसान दूसरे नशे से उठाना पड़ रहा है समाज को। तो इसे जब समाज में जागरूकता लाने का आवश्यकता है। मैं तो हर समाज में जब मुझे बुलाते हैं तो मैंने यही कहा कि आप अपने समाज में प्रदेश स्तर की यदि कमेटी है तो जिला स्तर और ब्लॉक स्तर और उसके बाद गांव की इकाई में जो आपके हैं वहां प्रस्ताव पारित करें कि ये शराब हमारे समाज के लिए खतरनाक है, इसे छोड़ें। क्योंकि जितना कोई कमा कर लाता है उसका आधा हिस्सा शराब में चला जाता है, तो परिवार चलाने में दिक्कत होती महिलाओं को। तो सबसे ज्यादा विरोध महिलाएं करती है, उसका कारण ये है कि पति की कमाई का आधा हिस्सा है वो शराब में चला जाता है। मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन एक झटके से बंद करने से ये नहीं होगा। और इसलिए समाज की जागरूकता, अब हमारे प्रदेश में तो 7 राज्यों से घिरा हुआ है, कोई एक प्रदेश से घिरा हुआ नहीं है, 7 प्रदेश से घिरा हुआ प्रदेश हमारा। और ऐसे में तो कहीं भी सप्लाई हो जाएगा, हम कहाँ कहाँ रोक सकेंगे, हमारी सीमाएं बहुत अधिक है। लेकिन इसमें जब तक के समाज सामने आके नहीं आगे आएगा तब तक के ये कठिन है। और हम दोनों के लिए कमेटी गठन कर दिए हैं, एक राजनीतिक दलों दल के लिए कमेटी गठित किए हैं, जो अन्य राज्यों में जहां शराबबंदी हुई वहां जाकर अध्ययन करें कि हमको और क्या क्या चीज जोड़ना चाहिए। दूसरा, उन राज्यों में हम जाएं जहां शराबबंदी पहले किए थे बाद में उसको वापस ले लिया तो किस कारण से वो असफल हुआ, उसका अध्ययन करें। और तीसरा ये है कि समाज के जितने हमारे समाज हैं छत्तीसगढ़ में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, उसके जो प्रमुख है उसकी कमेटी बनाएं, ताकि वो लोग समाज में जाकर बात कहेंगे, हमसे ज्यादा प्रभावशाली वो लोग होंगे, तो उस जन जागरण के माध्यम से और प्रशासन शासन प्रशासन के माध्यम से, दोनों माध्यम से हम करेंगे तो हम बेहतर रिजल्ट लाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि शराबबंदी लागू हो, लेकिन उस तरीके से लागू ना हो कि नाम मात्र के लिए शराबबंदी रह जाए और शराब का जो 4-7 राज्य हैं वहां से शराब आते हैं। जी मैं नीचे पीछे से सर वैभव बेमेतरिया बोलिए बोलिए, मुझे दिखाई दे रहा है। सर जमीनी स्तर पे आप नतीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो मैं आपके अनुभवों के आधार पर इस चीज को समझना चाहता हूँ कि जमीनी स्तर पर मीडिया की भूमिका क्या हो सकती है। चूंकि सही आंकड़े आना, उसको सही रूप में दिखाना बताना, वो कैसे सरकार तक सही जो है वास्तविक रूप में फीडबैक पहुंचे, और सरकार क्या इस चीज को समझती है या सरकार चाहती है कि मीडिया के जरिए वास्तविक आंकड़े आप तक पहुंचे, तो आपके अनुभवों के आधार पर मैं इस चीज को समझना चाहता हूं सर कि हमारी जिम्मेदारी क्या तय होगी। आप तो मीडिया कर्मी हैं और मीडिया की भूमिका को बेहतर समझते हैं, और इस मामले में बहुत सारी चर्चाएं सोशल मीडिया में चल भी रही है। लेकिन ये चीज है कि
आज गंभीर समस्याओं के बारे में, आम जनता के समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं होती, उससे ध्यान हटाने के लिए बचत चर्चाएं मीडिया में हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। समस्या उठा देना अलग बात है, समस्या का समाधान किस प्रकार से, ये चर्चा नहीं होती। तो आज बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया माइंड सेट करने के लिए बहुत बड़ा हथियार है, और दुर्भाग्य से मीडिया अपनी भूमिका का सही निर्वहन आज के तारीख में तो नहीं कर रहा है, मैं दावे के साथ कर सकता हूं। जो हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए, किसान को क्या चाहिए, नौजवान को क्या चाहिए, गृहिणियों को क्या चाहिए, व्यवसायी को क्या चाहिए, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। हम किसी दूसरे दिशा में भाग रहे हैं और उसका नुकसान आज देख लीजिए, देश का अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गया, कहां से कहां होना था और कहां से कहां पहुंच गया, उसके बारे में हम लोग कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने रोजगार छीन गया, कितने अवसर हमारे समाप्त हो गए, आज स्थिति क्या है। हम यदि गणेश चतुर्थी गणेश रखते हैं तो चीन से आ जाता है गणेश, अभी पितृपक्ष आएगा तो कौवा भी बन के आ जाएगा चीन से। दीपावली आने वाला है तो दिया भी वहां से आ जाएगा, हम घर को सजाते हैं तो झालर भी वहां से आ जाएगा। क्या ये काम हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, क्या छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता, कि दूसरे देशों के लोगों की क्या आवश्यकता है, हम क्या तैयार कर सकते हैं, हम रोजगार के अवसर नहीं तलाश रहे हैं, और इस दिशा में कोई काम हो नहीं रहा है। और इस कारण से आज देखिए बहुत जल्दी इसका दुष्परिणाम सामने वाला है, आने वाला है, कि लोग फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, तनाव बढ़ेगा जब लोगों को काम आप नहीं देंगे। मैं यही बात बस्तर में कहता हूं, बस्तर के मामले में जब डीएमएफ की बात हुई तो मैंने कहा भाई आप उस पैसे को वहीं खर्च करिए, उसके शिक्षा के लिए, उसके इलाज के लिए, उसके रोजगार के लिए। और मैंने कहा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को, उसकी मीटिंग बुलाई, मैंने कहा जितने सड़कें बन रही ना, 5 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, आप 1-1 किलोमीटर पे ठेका करिए, आप ई टेंडरिंग मत करिए, वही टेंडर करिए। यदि 1 किलोमीटर यदि डामर रोड टायर रोड बना रहे हैं, यदि उस आदिवासी के पास पैसा नहीं, वहां के लोकल लड़कों के पास पैसा नहीं है, तो खुदाई के लिए अलग निकाल दीजिए, मुरम बिछाने के लिए अलग कर दीजिए, गिट्टी के लिए अलग कर दीजिए, डामरीकरण के लिए अलग कर दीजिए, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। तो इस प्रकार से अब वही बच्चे हैं, यदि आप काम में लगा देंगे तो आप मुख्य धारा में जुड़ जाएगा, उसको काम नहीं देंगे तो बंदूक उठा लेता है। तो आज देश के सामने जो समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। ये केवल मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन मीडिया बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से इसकी चर्चा की जानी चाहिए। दुर्भाग्य से आज उसकी चर्चा नहीं हो रही है। वाकई में आपकी जो चिंता है उससे हम लोग वाकिफ भी हैं। रुपेंद्र जी, एक सवाल। चीफ मिनिस्टर जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। मेरा यह सवाल है, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या की वजह से कुपोषण काफी बढ़ गया है हमारे राष्ट्र में, क्या हम राज्य सरकार के स्तर पर भी कोई विशेष नीति अपना सकते हैं जिससे जनसंख्या में कंट्रोल हो और हम कुपोषण से बचे, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपारा केसेस हम देखते हैं एज ए सोशल वर्क जिसमें करती हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो शिक्षा है, जन जागरण है, उस प्रकार के वातावरण देने की बात है। हमें आज तक की ये पता नहीं है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, हमको जो मिल रहा है वही खा रहे हैं, और उसके कारण से आज छत्तीसगढ़ में मैं फिर से आंकड़ा बता रहा हूँ, 37.6% बच्चे हमारे कुपोषित हैं और 41.5% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। इससे बड़ा आंकड़ा, इससे भयावह आंकड़ा दूसरा नहीं हो सकता, और इसके लिए हमको पूरी ताकत के साथ बिना पड़ के सामान उपलब्ध करा देने भर से नहीं होगा। हम लोगों को एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में बैठ के लोगों के बीच में जन जागृति करना पड़ेगा कि भाई आपको ये सब चीज लेना पड़ेगा। तो ये काम अभियान की तरफ हम लोगों को लेना होगा, जिसकी शुरुआत हम 2 अक्टूबर से पूरे छत्तीसगढ़ में करेंगे। थैंक यू सर। जी नमस्कार, दो सवाल और। जी मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मैं उचित शर्मा।
मुख्यमंत्री जी, आप 90 विधायकों को कोसे और खादी के कोने में, अच्छा आप 90 विधायकों को कोसे और खादी के कुर्ते पजामा पहना रहे हैं, क्या यही योजना सरकार के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को खादी पहनाने में अगर होगी तो इस खादी की मरती हुई इंडस्ट्री को थोड़ी सी जान मिल जाएगी। तो आपसे एक निवेदन है, क्या ऐसी कोई 150वीं जयंती है महात्मा गांधी जी की, तो ऐसी कोई घोषणा करेंगे कि हमारे जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हो सप्ताह में एक दिन खादी उनको कंपलसरी करें, तो ताकि शायद इस मरती हुई इंडस्ट्री को थोड़ा सा लाभ मिल सके। मैं तो चाहता हूं केवल खादी नहीं बल्कि हैंडलूम का उपयोग किया जाए तो छत्तीसगढ़ के हजारों जो कामगार हैं उसको रोजगार मिल जाएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ियां भी बनती है, बहुत अच्छे कपड़े भी बनते हैं हमारे हैंडलूम में, बहुत बढ़िया कोसा भी बनता है छत्तीसगढ़ में। ये तो उसको बढ़ावा, सवाल इस बात का है कि हम अपनी चीजों पे गर्व महसूस नहीं करते। नहीं सर, गर्व महसूस करते एक बार आप, अरे सुनिए भाई, बहस का विषय नहीं है, बात पूरी, बहस का विषय नहीं है, बहस करना है तो अलग से टेबल में बैठ जाए। लेकिन सवाल इस बात का है, आज हम ठेठी खुरमी टेबल में रख खा नहीं सकते थे, अपने घरों में जरूर खाते थे लेकिन मंचों में परोसा नहीं जाता था। आज यही काम हमारे सरकार बनने के बाद न केवल हमारे मंचों में ठेठी खुरमी ऐसा सब रहता है, फरा रहता है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली में भी आप छत्तीसगढ़ी थाली मांगेंगे तो मिलता है। तो हम शान से अपने यहाँ छत्तीसगढ़ बने कोसा को पहने, यहाँ के हैंडलूम के कपड़े को पहने, यहाँ के बने हुए खादी को पहने, तो निश्चित रूप से अपने लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। तो ये वातावरण बनाने का आवश्यकता है। केवल 90 विधायक तो 2 अक्टूबर को पहनेंगे, विधानसभा अध्यक्ष की व्यवस्था है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो अच्छा है, कम से कम जो हमारे जिसको हमने चुना है वो लोग पहनेंगे तो उसको देख के दूसरे लोग पहनेंगे। आज देखिए रायपुर शहर में या भिलाई में अब हमारी बेटियां हैं ना छत्तीसगढ़ी स्टाइल से कपड़ा पहन के, छत्तीसगढ़ी स्टाइल के जितने हमारे जो गहने वो पहन के सांस से घूम रही हैं, चाहे वो हरेली के दिन हो चाहे वो तीजक और पोरा के दिन हो। फर्क आया है वाकई में, ये फर्क आया है। नमस्कार, सवाल जवाब का दौर बहुत लंबा चल रहा है, आखिरी सवाल ले लेते हैं जी। नमस्कार, मैं नवीन अग्रवाल हूँ। सारे विद्वान वहीं बैठे हुए क्या रुचि जी, आपने सबको पकड़ के रख लिया है। मेरा सवाल एक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है जी। देश चूंकि मंदी की ओर जा रहा है और आपने 2-4 ऐसे बड़े प्रयास किए हैं, जैसे धान का मूल्य 2500 रुपए किया, बोनस दिया और गाइडलाइन का रेट 30% गिराया, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में मंदी का असर अभी आया नहीं है बल्कि बेरोजगारी के आंकड़े भी कम हुए हैं और वाहन बिक्री के आंकड़े भी बढ़े हैं। और हमारा ये मानना है कि मंदी अभी देश में पूरी तरह आई नहीं है, आने वाले 3 महीने में और ज़्यादा आएगी, तो आने वाले समय में हम इस ग्रोथ को कैसे सस्टेन करेंगे? सीधी बात है कि हम लोग मंदी के दौर को पहली बार नहीं झेल रहे हैं, पूरी दुनिया ने मंदी के दौर को झेला है। और आपको याद होगा यूपीए के समय में एक मंदी का दौर पूरे देश में आया था और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मनरेगा चालू किया और सारे जो हिंदुस्तान के लोगों के जेब में पैसा डालने का काम किया मनरेगा के माध्यम से, और आपके हिंदुस्तान से में मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। आज वही काम हमने छत्तीसगढ़ में किया, किसानों के जेब में पैसा डालने का काम किया और आज बाजार में उसका दुष्प्रभाव, मंदी का दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर का कहिए, चाहे वो कपड़े का मार्केट कहिए, चाहे आपके, अभी हमने एक छोटा सा निर्णय लिया, 10 साल से छोटे प्लाट की खरीदी बिक्री बंद, हमने उसको शुरू कर दिया। शुरू करने से फायदा क्या होगा, जो बेचा उसको वो खुश था क्योंकि उसकी समस्याएं हल हो गई, जो खरीदा वो खुश हो गया कि मुझे प्लाट मिल गया। लेकिन बात वही 2 लोगों तक की नहीं है, जब वो प्लाट खरीद लिया तो मकान भी बनाएगा और मकान बनाएगा तो गिट्टी वाले को, सीमेंट वाले को, छड़ वाले को और जो प्लम्बर है सारे लोगों को काम मिल रहा है। तो एक प्लाट के खरीदी बिक्री से कम 20 से 25 लोगों को रोजगार मिला है और इसी कारण से बेरोजगारी का आंकड़े कम हुए, ऐसे छोटे छोटे जो प्रयास। तो ये प्रयास अभी जैसे हमने उद्योग बंद, अभी मैं उस दिन गया था वहाँ
चेंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में सारे छत्तीसगढ़ में जितने एमयू हैं कोई नया उद्योग तो आया नहीं है। जो उद्योग हैं वो बंद होने के कगार पे हैं, प्लाट उसके पास पड़े हुए हैं लीज में, हमने कहा ये फ्री होल्ड करें और उसको प्लाट बेचने की अनुमति दे रहे हैं, और लेकिन वो उद्योग ही लगाए तो फायदा ये होगा कि उसका भी उद्योग चल जाएगा और दूसरे उद्योग और नए उद्योग और आ जाएंगे तो रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। तो हम उद्योग को कैसे बढ़ाएं, उनकी व्यक्तिगत क्या परेशानी किसी उद्योगपति की, वो क्यों रुक गया है, तो उन सब चीजों को हम दूर करें। सरकार का काम क्या है कि सभी वर्गों को जहां परेशानी हो रही है, जहां गाड़ी रुक रही है, अटक रही है, उसको धक्का देके थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम, तो वो काम अब छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि उद्योगों के मामले में जो बात किए और भी 2019 में जो उद्योग नीति आएगा, मैं समझता हूं कि बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन छत्तीसगढ़ में आने वाला है। चलिए, एक क्योंकि सवाल निकला है तो एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल है। आप लोगों ने घोषणा की थी चुनाव से पहले 72,000 रुपये देने की, अगर आपकी सरकार बनती और 72,000 रुपये की स्कीम शुरू होती तो जो मंदी आई है पूरे देश में, क्या वो मंदी नहीं आती या उससे नहीं? बिल्कुल सही बात है भाई, उद्योगपति समान उत्पादन करता है, चाहे वो फ्रिज बनाए, चाहे टीवी बनाए, चाहे मोटरसाइकिल बनाए, कोई चीज बना रहा है। दूसरा है कि जो शोरूम है उसमें सजा कर रखते हैं, चाहे कपड़ा हो चाहे गहना हो, सब सजा कर रखते हैं। मुख्य बात यह है कि ग्राहक के पास पैसा रहेगा तब ना, और ग्राहक के जेब में पैसा डालने का काम यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था और अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार कर रही है, तो उसके जेब में डालिए पैसा तो सारी चीज व्यवसाय भी चलेगा, उद्योग भी चलेगा। आपने तो पहिया को रोक दिया है, आम जनता की जेब में पैसा ही नहीं डाल रहे हैं, नोटबंदी जीएसटी सब लगा दिए तो लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं, उसकी क्रय शक्ति कम हो गई है, तो कैसे कोई उद्योग चलेगा? जी, सवाल बिल्कुल जायज है कि जब लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी तो सामान कहां से बिकेगा। बातचीत के सिलसिले को यहां पे विराम देते हैं और आगे का कार्यक्रम के लिए मैं दुबे मैडम को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत ही दिलचस्प जवाब दिए। बातचीत का सिलसिला खत्म करने का मन नहीं कर रहा था लेकिन आपके समय को देखते हुए खत्म करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बहुत ही सारगर्भित डिस्कशन के लिए, और आपने आज इस मंच पर सुपोषण और कुपोषण जैसे विषय पर बहुत ही गंभीर चर्चा में शामिल होकर यह साबित किया है कि आप एक बहुत ही संवेदनशील और चिंतनशील व्यक्तित्व के धनी आप व्यक्तित्व हैं। और चलिए अब अगली कड़ी की ओर हम चलते हैं, और अब हम चल रहे हैं अवार्ड सेरेमनी के लिए। हमारे बीच सभागृह में मौजूद है माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी, माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी, हम आपको भी सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं, प्लीज आप आए। अभी रूपेश गुप्ता जी राजनीतिक संपादक बातचीत कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। अभी सम्मानित किया जाना है उन संस्थाओं को, उन व्यक्तियों को जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कुपोषण की स्थिति से लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है और लोगों को अपने उल्लेखनीय कार्यों से प्रेरित भी किया है। तो सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं NHMMI नारायणा के प्रतिनिधि को। NHMMI नारायणा, जोरदार तालियां आप सभी इनके लिए बजाएं ताकि कुपोषण के क्षेत्र में और भी संस्थाएं आगे आएं, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि समाज का हर वर्ग इस लड़ाई में शामिल हो और इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर के राज्य शासन के साथ काम करे। इसके बाद आमंत्रित हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। इसके बाद तैयार रहेंगे वी केयर हॉस्पिटल के प्रतिनिधि, बी केयर के बाद श्री नारायणा हॉस्पिटल। मंच पर हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर अजीत। इसके बाद आमंत्रित हैं वी केयर हॉस्पिटल,
उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नारायणा हॉस्पिटल और देवी लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रतिनिधि। हम आमंत्रित करते हैं श्री नारायणा हॉस्पिटल के प्रतिनिधि को। उसके बाद आमंत्रित हैं देवी लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रतिनिधि। पहला जानी नर्सिंग होम के प्रतिनिधि को हम आमंत्रित करते हैं। माथीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, ये माथीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। इसके बाद आमंत्रित हैं आयुष आईवीएस टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जो कि बेस्ट सेंटर है आयुष आईवीएस टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। इसके बाद आमंत्रित हैं एवरग्रीन इंटरप्राइजेस। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अजय तिर्की, महापौर अंबिकापुर, एवरग्रीन इंटरप्राइजेस के प्रतिनिधि मंच पर हैं। हम आमंत्रित करते हैं अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की जी को। इसके बाद तैयार रहेंगे पॉजिटिव हेल्थ जोन के प्रतिनिधि और मधुमेह डायबिटिक हॉस्पिटल के प्रतिनिधि। पॉजिटिव हेल्थ जोन डॉक्टर अजय तिर्की। इसके बाद पॉजिटिव हेल्थ जोन तैयार रहेंगे मधुमेह डायबिटिक हॉस्पिटल और डॉक्टर भरत गुप्ता। पॉजिटिव हेल्थ जोन, उसके बाद आमंत्रित है मधुमेह डायबिटिक हॉस्पिटल डॉक्टर भरत गुप्ता तैयार रहेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे यशोदा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। आप सभी ने कुपोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। यशोदा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, उसके बाद तैयार रहेंगे आईएसबीएम यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि। आईएसबीएम यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि। उसके बाद तैयार रहेंगे कलिंगा यूनिवर्सिटी। कलिंगा यूनिवर्सिटी के बाद क्रिस कैफिन जिम फिटनेस पार्टनर है वो आज के इस प्रोग्राम के। उसके बाद तैयार